कॉमिक मेकर्स, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें आई विल टेल यू फाइव एसेंशियल थिंग्स दैट आई कीप इन माय कार, और इसको आप कार सर्वाइवल किट भी कह सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं रास्ते में आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये पांच चीज़ें आपके पास ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको ये पांच चीज़ें बताऊँ जो कि आपको अपनी गाड़ी में ज़रूर रखनी चाहिए, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, वो पांच कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी गाड़ी में ज़रूर रखनी चाहिए। सबसे पहले, जैसे कि कहा जाता है सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले आपकी सेफ्टी के लिए गाड़ी में होना चाहिए एक फायर एक्सटिंग्विशर। इस तरह से ये फायर एक्सटिंग्विशर आपको मार्केट में मिल जाता है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आप इसको गाड़ी की डिक्की में भी रख सकते हैं, डैशबोर्ड में भी रख सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको गाड़ी में किसी जगह पे इस क्लिप के थ्रू माउंट भी कर सकते हैं। जी तो ये फायर एक्सटिंग्विशर इट्स वेरी सिंपल टू ऑपरेट। अगर खुदा खासा आपकी गाड़ी में, स्पेशली गाड़ी के हुड में अगर फायर लग जाती है, तो यू जस्ट हैव टू रिमूव दिस कैप, और इसको आप एक नॉर्मल एरोसोल स्प्रे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। Like I said, it is not very expensive. You can always buy this in the auto parts shops. दूसरी प्रोडक्ट जो मैं आपको कहूँगा अपनी गाड़ी में ज़रूर रखें, इसको कहते हैं टायर वेल्ड। बेसिकली एक एरोसोल स्प्रे है, अगर आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए और आपके पास इतना टाइम या ऐसा मौका ना हो कि आप गाड़ी का टायर चेंज कर सकें, तो आपने सिंपली करना क्या है, इस ट्यूब को लगाना है गाड़ी की नोजल, टायर की नोजल के साथ, और इसको दबाना है, प्रेस करना है, और ये जब तक पूरा स्प्रे ख़त्म हो जाएगा तो ये टेम्परेरली आपको रिलीफ दे देगा, आपकी गाड़ी का टायर इन्फ्लेट हो जाएगा और उसमें से फर्दर लीकेज भी नहीं होगी। सो आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप किसी भी पंक्चर वाली शॉप पे जाके अपनी गाड़ी का टायर रिपेयर करवा सकें। सो अगेन इट्स अ लाइफ सेवर थिंग, इसको अपनी गाड़ी में ज़रूर रखें, और अगेन इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, यू कैन बाय इट फ्रॉम द ऑटो शॉप्स। तीसरी चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपनी गाड़ी में ज़रूर रखें, ये है बेसिकली जंपर केबल। आप देख सकते हैं कि दो केबल्स हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। इसको आप इस्तेमाल करते हैं अगर आपकी गाड़ी की बैटरी कभी डाउन हो जाए और गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो, तो आप किसी भी और गाड़ी के साथ ये जंपर केबल्स लगा के बैटरी टू बैटरी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगेन इट्स ऑल्सो अ वेरी एसेंशियल थिंग दैट यू शुड कीप इन योर कार। कहीं भी होता है गाड़ी की बैटरी, आजकल ड्राई बैटरीज आ रही हैं, और ड्राई बैटरी का ये होता है कि या तो चलती रहती है या फिर एकदम से वो बंद हो जाती है और उसके बाद उसकी लाइफ टोटली ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा लोगों को कि ये गैजेट, ये एक्सेसरी अपने पास ज़रूर रखें गाड़ी के अंदर, ताकि आप किसी भी और गाड़ी से हेल्प लेके उस गाड़ी से बैटरी टू बैटरी जंपर कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि रेड केबल जो है ये आपकी बैटरी की प्लस साइड पे कनेक्ट होती है, और ब्लैक वाली जो है ये नेगेटिव साइड पे कनेक्ट होती है। चौथी चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपनी गाड़ी में ज़रूर रखें, ये इस तरह से एक मल्टी टूल है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आप स्क्रू ड्राइवर्स देख सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक LED लाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे इसके एक टूल बना हुआ है, अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी ओवरटर्न कर जाए यानी कि उलट जाए, तो उस सूरत में आप इसके थ्रू किसी भी ग्लास को ब्रेक करके, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, इसके थ्रू किसी भी ग्लास को ब्रेक करके इजीली बाहर आ सकते हैं। और इसके अलावा एक मल्टी टूल इस तरह से जिसमें प्लायर्स यानी कि प्लास जैसे हम कहते हैं अपनी जुबान में, और स्क्रू ड्राइवर और बाकी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ये आप अपनी गाड़ी में ज़रूर रखें। जी तो लास्ट और फाइनल थिंग जो मैं आपको कहूँगा अपनी गाड़ी में आपकी ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, वो है दो चीज़ें, बेसिकली दो आइटम्स हैं। एक तो ये पंप है जो कि गाड़ी के टायर्स में हवा भरने के लिए इस्तेमाल होता है। अगेन दिस इज़ अ DC ऑपरेटेड पंप, आप इसको बैटरी के साथ डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं इन लीड्स के ज़रिए से, और आप इसको सिगरेट लाइटर वाला जो सॉकेट होता है उसमें भी इंसर्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड क्वालिटी पंप, मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि एक अच्छी क्वालिटी का पंप जिसमें गेज भी मौजूद हो, जैसे कि इसमें गेज मौजूद है, वो आप अपनी गाड़ी में ज़रूर रखें। तो आप ऐसा पंप अपने पास रखें, अच्छी क्वालिटी का पंप खरीदें जिसको आप इस्तेमाल कर सकें अपनी गाड़ी की टायर्स में हवा चेक करने के लिए और उसमें कमी या पेशी करने के लिए। सो दिस इज़ एन एसेंशियल थिंग। और इससे ही रिलेटेड एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, बेसिकली ये है एक मोटर ऑपरेटेड जैक। नॉर्मल जैक्स आपने गाड़ी में देखे होंगे कि जिसमें जैक जो है गाड़ी के टायर को लिफ्ट करने के लिए जब आपने टायर चेंज करना है तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। सो ये मोटर ऑपरेटेड जैक है, इसका फ़ायदा ये है कि इस जैक को ऊपर और नीचे करने के लिए ये मोटर मौजूद है, तो आपको मैनुअली गाड़ी का टायर खोलते वक्त जो जोर लगाना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। और आप इसको अगेन, ये एक 12 वोल्ट ऑपरेटेड जैक है, 2 टन तक इसकी कैपेसिटी है, और ये भी मार्केट में अवेलेबल है। और वो लोग जो कि अपने आप को इतना फिट महसूस नहीं करते, या ख़वातीन अगर वो गाड़ी का टायर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
सो व्यूअर्स, ये वो चंद चीजें थी जो कि मैं अपनी गाड़ी में लाजमी तौर पर रखता हूँ। आपसे भी कहूँगा कि अगर आप अपने आप को मेंटली कंफर्टेबल करना चाहते हैं, अगर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है गाड़ी में, तो ये चार पांच चीजें अपने पास आप जरूर रखें। फायर एक्सटिंग्विशर आपकी सेफ्टी के लिए, टायर वेल्ड फोम जो कि आपको कभी पंक्चर की सूरत में हेल्प कर सकता है, जंपर केबल फॉर द बैटरी, एक मल्टी स्क्रू ड्राइवर सेट, और ये एक पंप और जैक। गाड़ी का अगर टायर पंक्चर हो जाए तो आपको टायर तब्दील करने में बहुत ही आसानी होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो उस पर कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं